तक रखें अपना ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आसिम राजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इस वक्त असर का टाइम हो रहा है और अभी मैं जा रहा हूँ गुजर खान। आज बाइक नहीं, अब्बू लेके गए हैं, बाल कटवाने गए हैं। देखता हूँ अगर चौक में जो है वहाँ अब्बू हुए तो मैं अब्बू से बाइक लेके चला जाऊंगा, नहीं तो मिससे तक किसी के साथ लिफ्ट लेनी पड़ेगी, आगे हसन खड़ा होगा। बाकी यार आज पता नहीं सो के उठाऊँ तो ये पूरी गर्दन जो है ना ये दर्द कर रही है। उस तरफ देखा नहीं जा रहा, मतलब उस तरफ देख रहा हूँ बहुत दर्द हो रहा है। तकिए से सर हट जाता है यार सोते हुए ना, तो फिर दर्द होता है, तो इसलिए बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे। यार आज बाइक ना होने की वजह से फिर इतना चलना पड़ा है। अभी आगे पीछे मुझे कोई बाइक नजर नहीं आ रही है, चलते हैं उधर, शायद वहाँ मिल जाए। अबू बाल कटवाने आएंगे हैं, अब अबू ने अगर कटवा लिए होंगे तो फिर मैं अबू को फौरन से बाइक पे घर पे ड्रॉप करूंगा और चले जाऊंगा। लेकिन अगर अबू ने नहीं कटवाए होंगे तो मैं नहीं चाह रहा कि अबू यहाँ से पैदल जाएं घर, फिर मैं कोशिश करूंगा कि लिफ्ट लेके चले जाऊँ। चलो भाई अबू सामने से आ रहे हैं, अब अबू को मैं ड्रॉप करता हूँ, बाइक लेके चलता हूँ। यार अबू को छोड़ कर मैं आ गया हूँ, अब जा रहा हूँ मिस से, टाइम काफ़ी हो गए। इफ्तारी जो हमारी मेरे ख्याल से गुजर खान में ही हो जाएगी। पेट्रोल अभी तक नहीं डलवाया हुआ बाइक में, दुआ करें ये पहुँचा दें मुझे। असल में आज गाँव में जहाँ से पेट्रोल मिलता है वो शॉप बंद है, तो अब जो है ऐसे ही जाना पड़ेगा। वो मिसिंग कर रही है, ये देखो भाई ढलान पे बिल्कुल बन जा रही है बाइक। ये मुझे एक फ़ायदा हो गया, लेकिन अभी ढलान चलते हुए बाइक स्टार्ट ना हुई ना तो लटक जाऊंगा, ना इधर का रहूंगा ना उधर का, अल्लाह खैर करे। ये देखो कैसे मज़े से जा रही है। भाई मैं मिस से पहुंच गया हूँ, ऐसा मेरे साथ है। ये देखो आई करो बेटा, आई कर लो, मेरी पास ने उस दिन इस बाइक ने उर्दू में बोल, जल्द में इफ्तारी कराऊंगा। चल क्या बोलूं उर्दू में, क्या बोलने लगा था बता। अच्छा आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, इस भाई ने मेरे साथ बहुत बड़ा ड्रामा किया है। मैं घर में सोया हुआ था, 4 बजे इसने मुझे उठाया और कहता है गुजर खान चले तुमको इफ्तारी करवाऊंगा। मैंने कहा सच बताया, इसने कहा सच बताया। जब टाइम हुआ इफ्तारी का तो इसने बोला कि घर चलो, इफ्तारी का टाइम भी बहुत है। फिर हम उठा के वापस आ गए, आज फिर इस बंदे ने बुलाया मुझे। यार उस दिन इफ्तार में बहुत टाइम था इसलिए मैंने बोला। अगर आज इस बंदे ने मुझे इफ्तारी ना करवाई तो इसका ये जो मोबाइल है ना आईफोन 11 ये मैं कहीं रोड के किसी कोने में फेंक दूंगा। बहुत अच्छी उर्दू बोली है तो इसको आज मैं इफ्तारी करवाऊंगा इसी खुशी में। बस खुश नहीं भाई, आज आपकी नहीं, आज मैं आपको साथ लाया हूँ, मैं इफ्तारी करवाऊंगा और आपको दिखाएंगे कि इफ्तारी कैसी होगी हमारी। इसी तरह बातें नहीं करेंगे। चलो ठीक है अगर करो। ओके गाइस हम लोग पहुंच गए हैं गुजर खान, इस वक्त मेन बाजार में घुसे हुए हैं और बाइक पे यहाँ लोग पैदल घूमते हैं, हम लोग बाइक पे घूम रहे हैं। ऐसन ने जो है ईद के कपड़े लेने हैं, देखते हैं जल्दी से ये ईद के कपड़े ले ले फिर इफ्तारी करेंगे। ओके आधे से ज़्यादा दुकानें बंद हुई हैं। ये भाई ऐसन ने ये वाला कपड़ा लिया, माशाल्लाह से कपड़ा अच्छा है भाई। आज भी हम लोग कपड़े लेके जो है आ गए शावरमा लेने उन्हीं भाई के पास, गुजर खान का मशहूर शावरमा। उस दिन का आया था बहुत मज़े का था, तो आज दोबारा घर से फरमाइश आई है कि लेके आना, तो लेके जा रहे हैं। चेक करूंगा आज। भाई को भी चैनल बता दिया, सब्सक्राइब भी कर देना कि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास रो। हाँ समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। थैंक यू। क्या हुआ? मैं क्या हिसाब रखा यार, पहले मैंने पेट्रोल पंप पे 5,000 का नोट दिखाया, उन्होंने भी बोला खुला नहीं है, सो इसने पैसे दिए। अभी यहाँ पे भी शावरमा लिया, इनके पास भी खुला नहीं था तो भी इसको पैसे देने पड़े, सो इसलिए यात्रा। चलो चलो दे दूंगा, रो नहीं, इसे मैं अभी खुला करवा के दे देता हूँ, हिसाब छुट्टा कर दें। भाई हमने सारा सामान ले लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। घर की तरफ नहीं, रास्ते पे जाएंगे। इसने बड़ी बड़ी बातें की थी आने से पहले कि मैं इफ्तारी कराऊंगा, बट अब इसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इसके दोस्त के घर इफ्तारी है। ओ तो यार वही इफ्तारी कह रहा था ना, मैं ही करवा रहा हूँ ना, तो दोस्त तुम्हारा है बड़ा हरामी हो बेटा। तो उसकी कॉल्स भी आ रही थी, तो आज इफ्तारी जो है हम वहाँ जाके करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे घर। चलो भाई हम लोग पहुँच गए हैं। कितने दूर है वो? बस ये 5 मिनट में ये, सो यहाँ पे जो है 5 मिनट की दूरी में यहाँ पे जाके इफ्तारी करनी है। और यार आज बहुत गर्मी है यहाँ पे, मतलब शाम का टाइम भी हो गया है ना, तो अभी भी गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी लग रही है अभी भी गर्मी है, बहुत गर्मी लगी गर्मी गर्मी। अच्छा भाई हम लोग पहुँच गए हैं अर्जुन के दोस्त के घर, यहाँ पे इफ्तारी करेंगे। अभी 3-4 और भी दोस्त आ रहे हैं, वो यहाँ पे वीडियो वगैरह नहीं बनाएंगे, मिलते हैं आप लोग को इफ्तार के बाद। ओके ओके। अच्छा भाई इफ्तारी कर ली है और अब मैं जा रहा हूँ घर, एसएन भी चला गया अपने घर। बिल्कुल अंधेरा है, गुप अंधेरा है, रात का टाइम है, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इस टाइम घर, तो गांव में सन्नाटे भी होते हैं, चोरी वगैरह का भी खतरा होता है, तो इसलिए मैं रख रहा हूँ मोबाइल अंदर। बाकी जो भी थोड़ी बहुत बात है वो घर जाके करते हैं और फिर ब्लॉग को खत्म करते हैं। ओके यूट्यूब चैनल मोनिटाइज हो गया मेरा, उन्होंने लिखा हुआ था विद इन अ मंथ, लेकिन हो गया जल्दी।
खैर मुबारक, खैर मुबारक भाई। मैं अभी जो है इफ्तार करके घर पहुंचा हूं और ये लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन आसिम राजा, यू आर नाउ अ यूट्यूब पार्टनर, पार्टनर बन गया हूं यूट्यूब का। मुबारक हो बेटा, मुबारक। रिक्वेस्ट करता हूं मेरे लाड के बेटे आसिम राजा को सपोर्ट करें, लाइक करें, ऐसे वीडियो देखते रहें, अच्छी से अच्छी वीडियो ये आपके लिए बनाए। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसी तरह अच्छी वीडियोस बनाने की। यार अभी घर पहुंचा था, व्लॉग एंड करने लगा था लेकिन मैंने यूट्यूब जैसे ही ओपन किया तो ये मुबारकबाद मिल गई। टाइटल यही देंगे कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया। और कल का जो व्लॉग है आपने देखा था वो मैंने दोपहर 3 बजे अपलोड किया था, तो अब से जो है ये वाला व्लॉग ये भी मैं दोपहर 3 बजे अपलोड कर रहा हूँ, टाइमिंग चेंज कर दी है। सो आप लोग मुझे ये बताओ ये टाइमिंग सही है दोपहर 3 बजे, या आप लोग चाहते हो ये शाम की टाइमिंग में आए, नीचे कमेंट में काइंडली जरूर बता दो टाइमिंग, उस टाइम पे अपलोड कर दिया करूंगा। तो टाइमिंग लाजमी नीचे कमेंट में ना लाजमी बताना। और माशाल्लाह से यार मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, माशाल्लाह से आप लोग के व्यूज पे ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तक रखें अपना ख्याल। भाई सब खुश हैं, फैमिली सब खुश है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जो मेरे बेटे को सपोर्ट करते हो, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, बहुत सारी खुशियाँ दे, इसी तरह सपोर्ट करते रहना मेरे बेटे को। देख लो अम्मी ने भी दुआएं दे दी हैं आप लोग को, अल्लाह आप सबको खुश रखे। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टारगेट 10K, तो वो भी आप लोगों ने ही करवाने हैं शेयर करके। मिल जाएंगे यार, कल हो जाएंगे, ये कल करवाएंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखें अपना ख्याल, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।